इस गुरु घर के PGI के जिन्हें भी पेशेंट आते हैं उन्हों की सेवा दे वास्ते उन्होंने बैड प्रोवाइड करने वास्ते उन्होंने लंगर की व्यवस्था करने वास्ते उन्होंने मेडिसिन से होर ट्रीटमेंट वास्ते इतने बहुत वड्डी सेवा चल रही है। यह सेवा जिहड़े साडे बाबा लखा सिंह जी नानकसर वाले मेरे नाल खड़े आ इन्हां दी अगवाई दे विच काफ़ी सालों तो इत्थे चल रही है और तुसीं देखोगे कि यह पूरी दुनिया के सब तो वक्त विलक्षण मिसाल है जिथे बिना किसी भेदभाव के ना धार्मिक भेदभाव है ना किसी तरह का कोई होर भेदभाव है। इत्थे भारत की हरेक स्टेट का पेशेंट तुहानू अंदर मिलेगा और वो मरीज़ मिलेंगे जिहड़े मरीजों दीआं बीमारियां जिहड़ियां ने वो बहुत लंबा समा चलन वालियां। मैं एक पेशेंट नूं हुण मिलिया उन्हूं 6 साल तो लगातार इत्थे है उस लड़का बिहार का श्याम लाल उसका एक्सीडेंट होया सी तुसीं भी जाके मिल सकते हो 6 साल तो उहदे उपर 5 लाख के करीब जिहड़ा खर्चा 7 लाख के करीब खर्चा उसके उपर आ चुके है और उस तो अलावा उहदी सेवा दे वास्ते भी जिन्ना उन्हूं प्रशादा पानी चाहिए कोई ट्रीटमेंट चाहिए उहदी सेवा वो की जा रही है। इस तरह ही कैंसर के मरीज बहुत भयानक बीमारियों के मरीज जिन्हों PGI के बैड नहीं मिलता क्योंकि PGI बहुत अच्छा हस्पताल है और साडियां जिहड़ियां 3-4 स्टेटा के सारे पेशेंट जिहड़े उन्हां दा एक आखिरी कह लो कि उम्मीद है कि PGI इत्थे लोग आउंदे है लेकिन PGI दे विच जिहड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है सुभाविक है कि वो एक सीमा तो अगे नहीं जा सकती तो इत्थे गुरु घर दे विच बहुत वड्डा उपराला जिहड़ा हैगा विलक्षण किया जा रहा है। और इस गल का पता जदों गवर्नर साहब नूं लग्गिया तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं खुद जाके ये जगह देखनी चाहुंदा हैगा और असी गुरु घर वालों बाबा जी वालों सारे सेवादारा वालों गवर्नर साहब के इत्थे आने असी स्वागत करने वास्ते हाज़र होए हैं और सानू उम्मीद है कि इत्थे क्योंकि जिहड़ियां सहूलतां इत्थे भी दित्तियां जा रही उस दे विच भी हजे होर वाधा करने की जरूरत है क्योंकि जो सेवावां चाहीदियां ने जां जिन्नियां चाहीदियां ने वो असी हाले भी पूरियां नहीं कर पा रहे। तकरीबन इत्थे 1000 से 1200 पेशेंट जिहड़ा हैगा वो हर रोज़ उहदे वास्ते बैड की व्यवस्था की जाती है उसके रहण का इंतजाम किया जाता है उन्हें दवाइया दित्तियां जांदियां है उसकी सेवा की जाती है और इस दे नाल 8 से 9 हज़ार जिहड़े पेशेंट PGI दे विच आउंदे है उन्होंने जिहड़े इत्थे नाल उन्होंने परिवार वाले आउंदे आ वो लंगर की सेवा इत्थों अपने बर्तनों के विच लै जांदे आ वो लंगर उत्थे भी प्रोवाइड किया जाता जिहड़े पेशेंट PGI दे विच एडमिट है जां OPD ते आउंदे आ जां इत्थे आके एडमिट होंदे आ उन्हां वास्ते सारिआं वास्ते लंगर की सेवा भी की जा रही गुरु घर वल्लों दवाइया की सेवा की जा रही है होर जिहड़ियां उन्हां नूं सेहत सहूलतों वास्ते मशीनरी चाहिए आ रहण दा प्रबंध भी किया जा रहा है। तो ये बहुत वड्डी एक विलक्षण सेवा हैगी आ जिहदी असीं चाहुंदे सीगे कि तुहाडे माध्यम दे राहीं समाज दे सामने जावे और मैं तुहाडे माध्यम राहीं जिहड़े दानी सज्जन हैगे ने जिहड़े NRE वीर भैण भरा हैगे ने उन्हां नूं भी बेनती करूँगा कि ये सेवा जिन्नी भी कर ली जाए थोड़ी हैगी आ और बहुत ही लोड़वंद जिहड़े हैगे ने लोग उन्हां तक पहुँच रही हैगी आ वो भी अगे आउण इस गुरु घर के नाल जुड़न क्योंकि असी चंडीगढ़ वैलफेयर ट्रस्ट वालों असी चंडीगढ़ दे विच एक तहिया किया होया कि जिथे जिथे लोड़वंदा की सहायत की लोड़ हैगी असी पहुँचते हैं असी बाबा जी दे नाल मिल के इस स्थान दे विच भी अपने वालों तुच्छ जी सेवा जिहड़ी असी कर सकते हैं वो करन दी असी कोशिश कर रहे हैं। नहीं मंग करने वाली कोई गल नहीं है इस करके नहीं गवर्नर साहब इतने आ रहे कि असं उन्होंने तो मंग करनी है सानू तो खुशी है कि उन्होंने आने के नाल एक उत्साह मिलेगा और वो खुद बहुत समाज के बारे सोचते हैं वो जो देखेंगे उन्होंने भावनावां अपनी है वो जो भी करना चाहेंगे ये उन्हों की इच्छा हैगी है लेकिन सानू इस गल की खुशी है कि पहली बार कोई गवर्नर पद्धर के जिहड़े अधिकारी हैगे ने वो इस स्थान पर आ रहे हैं ये बहुत वड्डी गल है अगर उन्होंने दिल के विच दर्द हैगा तो वो इत्थे पहुँच रहे हैं असी सारे इस गल तो बहुत उत्साहित है खुश है। बीस साल तो दास इस सेवा की ड्यूटी निभा आ रहा है और पहला बाहरों लंगर पका के लैके आते तो हूँ गुरु साहब की कृपा बख्शिश हुई है कि इस घर की जी सेवा सारी झोली च पई आ तो इस करके दिन रात एक करके हुण जिन्ने भी मरीज आउंदे ने उन्हां नूं कोई किसी तरह की भी कोई दिक्कत ना आए और जिन्नी भी आपां उन्हां दी हैल्प कर सकते हैं दवाइयां पक्खों चाहे खाने पक्खों चाहे रहन पक्खों वो सारे आपां रल मिल के वह ड्यूटी निभा रहे हैं। कल्ला ये नहीं दास दा दास च होर भी कई विंग चल रहे आ बहुत वड्डी मुहिम जो पौधे लाने की चल रही है तकरीबन 30-35 साल तो हर कंट्री जाके मैं पौधे लाना पंजाब में हरिया भरिया देखना चाहना
प्रफुल्लित देखना चाहना। जिथे भी कोई कहता उत्थे पौधे लाने साड़ी अपनी नर्सरी साड़ी अपने टैंकर पानी वाले साड़ी अपनी सारी जो टीम ने काम करने वाली अच्छी सरकार से भी कोई बोझ नहीं पाते। ये जो बजुर्ग आ जिन्हों की कोई सेवा नहीं करता घरों बच्चे धक् देंगे दे बहर उन्होंने बुजुर्गों वास्ते भी स्पैशल एक बिरध आश्रम बनया 101 कमरे का जिदे 67 बजुर्ग साढ़े को हाजिर ने जिन्हों का रोटी पानी कीड़ा कपड़ा दवाई बूटी सब कुछ उन्होंने गुरु घर वालों संस्था वालों मिलता है। इतने तकरीबन 1000 तो 1200-1300 तकरीबन डेली इतने ये एवरेज इतने रही है जहाँ के कोई मरीज आ ते नाल उन्होंने वारस जोड़े होंगे ने ते खाना तकरीबन 7000 बंदे का डेली खाना तैयार होंगे। कुछ इतने वरताया जाता कुछ पीजीआई के अंदर जोड़े ओ पी डी लोग पहुंचे दे उत्थे इतों पा के लै जाते अपने आप लै जाते फिर उत्थे जाके छक लेंगे। ये सारा गुरु की कृपा गुरु नानक ने जरा 20 रुपये का लंगर चलाया सी अवे तुस बड़का मारीए तो गुरु नानक का 20 रुपये का लंगर चलाया अज सारी दुनिया से वरत रहा है तो इतने भी गुरु नानक की जरा लंगर की तोड़ कभी आ ही नहीं सकती। मैं चंडीगढ़ के संदर्भ च कहनी चाहना चंडीगढ़ जिहड़ा शहर हैगा ये साडियां खास करके पंजाब दियां हरियाणे दियां हिमाचल दियां बहुत सारियां लोड़ां जिहड़ियां हैगियां ने पूरियां करदा है उन्हां दियां इच्छावां की पूर्ति वास्ते चंडीगढ़ एक केंद्र है और असीं महसूस करदे हां कि चंडीगढ़ एक हैल्थ सैक्टर की वड्डी हब बन के उभर सकता हैगा क्योंकि हुण तक तो इत्थे पीजीआई ते सरकारी अदारे जिहड़े हैगे ने बहुत वड्डी सेवा निभा रहे आ लेकिन जिस तरह की डिमांड आ रही हैगी आ असीं चाहुंदे आ कि चंडीगढ़ जिहड़ा हैगा एक मैडिकल सिटी के तौर पर भी विकसित होवे इत्थे मैडिकल टूरिज्म वधे इत्थे बहुत सारे वड्डे हॉस्पिटल जिहड़े हैगे ने सरकारी मिशनरी ते प्राइवेट सैक्टर के भी जिहड़े हॉस्पिटल ने इत्थे उन्हां दे खुल्लण दी व्यवस्था की जाए। तुसीं देखिया होना कि मोहाली जिहड़ा हैगा एक समय तक उहदी जिहड़ा विकास सी उह एक सीमा तक रहा लेकिन जदों तों उत्थे हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होया मोहाली की जिहड़ी पहचान आ उह वक्खरे पद्धर ते बणी आ और असीं बेनती करते हैं प्रशासन नूं भी और सारे ही जिहड़े इत्थों दे लोक हैगे ने कि असीं मिल के इस तरह का विजन चंडीगढ़ वास्ते तैयार करिए कि आने वाले सालों के चंडीगढ़ एक मैडिकल टूरिज्म की हब बन के उभरे और जिन्नियां भी सेहत सहूलतों दियां लोगों दियां इच्छावां हैगियां ने सारे नॉर्थ इंडिया दियां वो इत्थे पूरियां होण उस दे नाल की है कि सारयां नूं एक क्वालिटी हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ते क्वालिटी हैल्थ सेवावां मिलणगियां उस दे नाल चंडीगढ़ दे विच रुजगार वधणगे और चंडीगढ़ दे विच जिहड़ी आमदन हैगी आ वसीले हैगे ने वो भी वधणगे। संधू साहब की कहोगे क्योंकि केंद्र सरकार नाल भी कोई खत लिखोगे गृह मंत्री नूं किसी नूं क्योंकि केंद्र सरकार ड्यूटी है चंडीगढ़ असीं चंडीगढ़ वैलफेयर ट्रस्ट वल्लों एक सर्वे कर रहे हैगे आ कि किस तरह की व्यवस्था और किस तरह का मॉडल जिहड़ा हैगा इत्थे फ्यूचर दे विच एक मेडिसिटी वाला चंडीगढ़ दे विच लियांदा जावे जिस दे विच सरकारी ते गैर सरकारी इन्वेस्टमेंट्स भी आउण और हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा हैगा उहदी बहुत वड्डी लोड़ हैगी आ उह पूरी कीती जावे तां कि शहर की एक जिहड़ी पहचान पहलां ही बहुत वर्ल्ड लैवल ते है चंडीगढ़ विश्व भर दे विच चंडीगढ़ दा एक विलक्षण मुकाम हैगा लेकिन हैल्थ दे वास्ते हैल्थ सेवावां दे वास्ते जिहड़ा चंडीगढ़ नूं असीं चाहुंदे आ कि विश्व दा एक केंद्र बणे और दुनिया भर दे विचों लोक इत्थे अपना इलाज करवाउण वास्ते आउण और उहनां नूं सहूलतां मिलन।